एकदम बढ़िया लगा आपके यहाँ आके। वर्क कैसा लगा? जी जी ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। मटेरियल भी अच्छा लगा, वर्किंग मतलब जो कंडीशन थे वो भी अच्छा लगा, और सबसे अच्छा तो आपसे मिलकर लगा हमको। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये कार देखिए, ये ड्राइव करके सीधा ले जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे? सिक्किम। तो ये कार जाएगी अभी दिल्ली से सिक्किम, और वाक्य में मेरे को सोच के भी लग रहा है कि यार इस काम के लिए आपको ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, क्योंकि आसान काम नहीं होता। क्यों जी, कितने घंटे की ड्राइव होगी बस? तीन दिन। अधिकतर केसों में दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक होता है कि इलेक्ट्रॉनिक शटर, जो कि अभी इस तरीके से वीडियो आप देख रहे हैं साइड्स में अप एंड डाउन होता है, उसमें रिमोट के थ्रू आप अपने जो अप एंड डाउन है वो कर सकते हैं। दूसरा होता है ये मैनुअली, मैनुअली में ये आपको देख रहे हैं स्ट्रिप दे रखी है, इसे इस तरीके से खींच कर इस तरीके से आप इसे क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ इसको इस तरीके से ये हो गया। तो थोड़ा सा देखिए, मैनुअल है तो उसी चीज़ का जो प्राइस डिफरेंस है वो भी है। So welcome back to another video of Pegasus Premium, where we are installing in Toyota Hilux roll bar and automatic roller shuttle. Automatic नहीं, इस बार हम इसमें manual लगाएंगे, because car तो दिल्ली से ली है, but customer है सिक्किम से, तो कह रहे हैं कि हमें electronic नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए जो manual चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपका Hilux का जो डाला आता है वो क्लियर होता है। अब नॉर्मली जब आप इसको, दो तरीके हैं, या तो आप इसमें एक जो शटर है वो लगाएंगे, और या फिर आप इसमें कैनोपी लग जाती है, जो कैनोपी का रेट है वो 2.5 लाख का होता है, जिसमें पूरी कवर अप हो जाती है, बट कई लोगों को नहीं चाहिए होती और वो कहते हैं कि हमें सिर्फ इसको कवर करा दे, तो उसके लिए रोलर शटर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ आज इस वीडियो में, आप छोटा Hilux की अधिकतर एक्सेसरीज के बारे में जानेंगे। ये है, ये रोलर शटर हमने यहाँ पर इसका पूरा सेट कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। ये यहाँ देखेंगे, इसके बटन्स लगे हुए हैं, इस तरीके से ये फोल्ड हो जाता है, यहाँ ये दबाने के बाद ये अंदर चला जाएगा और ये अप एंड डाउन जो भी है आगे पीछे हो जाता है। उसके साथ ही ये जो रोल बार है, ये यहाँ देखेंगे, ये हैमर कंपनी का रोल बार है, फुल मेटल का है, ये हम इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर। और इसमें फ्रंट की जो ग्रिल है उसमें हम छोटा की जो GTR ग्रिल है वो इंस्टॉल करेंगे, कुछ लाइटिंग इफेक्ट इंस्टॉल करेंगे, एक म्यूजिक सिस्टम लगाएंगे, बूफर। तो ये एक्सेसरीज है जो नेसेसरीज है खासकर इस गाड़ी के लिए। बाकी भाई इसकी जो रोड प्रेजेंस है ज़बरदस्त है, कलर बहुत वाइब्रेंट लिया है, इसलिए हम ब्लैक एंड रेड की थीम इनकी ग्रिलिंग में भी कर रहे हैं। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट को, आप देखिए लगे हुए। हाँ एक चीज़ और है, इसमें सेंटर लॉकिंग भी लगाएंगे, वो जो आप इंस्टॉल होगी तो आप देखेंगे। सेंटर लॉकिंग लगाने से होता है कि जब आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे तो यहाँ जो ये वाला है जो कभी भी खुल जाता है, मतलब इसमें कोई अलग से फंक्शन बटन नहीं है, वो उसमें भी सेंटर लॉकिंग का पूरा प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटा Hilux के इस प्रोडक्ट को, और दिखाते हैं आपको कुछ बेहतर, कुछ बढ़िया Pegasus प्रीमियम पे छोटा Hilux या किसी भी ऑफ रोड कार एक्सेसरीज की जो एक्सेसरीज है, एक बार कॉल जरूर करिएगा, कंफर्म करिएगा, क्वालिटी, प्रोफेशनल फिटमेंट वो सब आपको यहाँ पर हम अवेलेबल कराएंगे। तो Hilux में इस तरीके से लग जाता है आपका रोल बार और जो मैनुअल शटर, ये देखेंगे मैनुअल शटर की भी फिटिंग हो चुकी है, और उसके ऊपर जस्ट हमने रोल बार है उसकी फिटिंग कर दी है, हैमर का ब्रांड का, और साथ में मेटल सरफेस है। फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं, पूरे एलन की से इसकी जितनी भी एक्सेसरीज है वो होल्ड कर रखी है। और सबसे अच्छी बात ये होती है दोस्तों कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसकी इंस्टॉलेशन भी मैटर करती है, खासकर जब आप ऐसी आइटम्स लगाते हैं जिसमें इंस्टॉलेशन का 20-30% रोल होता है। देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से पूरी कवरिंग के साथ यहाँ सिलिकॉन से इसको अटैच करना होता है। रीज़न, क्योंकि आप ये एक्सेसरीज जब लगवाते हैं तो नॉर्मली आपको ये देखना होता है, क्योंकि आउटर एक्सेसरीज है ऑफ रोड, तो उसमें जो पानी की समस्या हो वो ना हो फ्यूचर में, और जो फिट एंड फिनिश हो वो क्लियर हो। देखेंगे जितने भी बोल्ट्स लगे हुए हैं, इसके नीचे भी सिलिकॉन की पेस्टिंग होती है, ताकि जब भी बरसात हो, हैवी हो, तो पानी
अंदर आपके कैबिन में नहीं जाना चाहिए, तो ये जरूरी है। अब आप पिटन फिनिश देख सकते हैं, ये हमारी हाईलक्स है जो कंप्लीट एक ऑफ रोड लुक बन चुकी है। इसके लगते ही ये हमारे मेटल के जो रोल बार है उसके लगते ही, अभी हम इसमें सेंटर लॉकिंग लगा रहे हैं। वो रीज़न लगाने का दोस्तों बता देता हूँ कि जब भी हम डेला लगाते हैं तो डेला जो कंपनी देती है वो बिल्कुल ओपन टाइप दे देती है, तो मतलब अब ये भी लगा देंगे उसके बाद, तो सेंटर लॉकिंग लगाने से ये हो जाएगा, जो कंपनी की OEM इनकी सेंटर लॉकिंग है उससे अटैच हो जाएगी। जैसे ही वो ऑफ ऑन करेंगे तो यहाँ वो एक्टिव रहेगी, काम करेगी, ठीक है। तो वो हम आपको एक डेमो दिखा देंगे और उसके बाद हम इसके साइड्स के जो फेंडर है वो इंस्टॉल करेंगे, उससे भी कार की जो ऑफ रोड लुक है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये साइड प्रोफाइल देख रहे हैं आप, ये अपने आप में यार जहाज जैसी गाड़ी है, ठीक है। और उसमें अब आप ऐसी आइटम्स लगा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा एक गेटअप भी आता है और एक रोड प्रेजेंस भी कार की इनहेंस होती है, ये देखेंगे। अभी मैं बताता हूँ, डोर इसका ओपन है, अगर मैं इसके डोर को यहाँ क्लोज कर दूँ तो आप अब इस समय देखिए यहाँ से स्टार्ट है कार और इसकी जो देखिए लेंथ देखिए, उस हिसाब से ये आइटम्स बनती है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ अब ये फाइनल डिलीवरी का टाइम है, क्या क्या वर्क हुआ है इसमें मैं वो क्लियरली आपको बता देता हूँ, क्योंकि बिटवीन तो हम दिखाते गए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। इसके अंदर हमने जो इंस्टॉल करी हैं रियर प्रोफाइल में, अभी 3 आइटम्स करी हैं। सबसे पहले क्या करा है, जिसके लिए सबसे पहले लोग चाहते हैं कि हम हाईलक्स में अगर इसको हम शटर लगाते हैं ताकि कवर अप कर सकें इसको, ताकि हम यूज़ कर सकें इस स्पेस को बिना किसी टेंशन के, तो अधिकतर केसों में 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक होता है कि इलेक्ट्रॉनिक शटर, जो कि अभी इस तरीके से वीडियो आप देख रहे हैं साइड्स में अप एंड डाउन होता है, उसमें रिमोट के थ्रू आप अपने जो अप एंड डाउन है वो कर सकते हैं। दूसरा होता है ये मैनुअली में, ये आपको देख रहे हैं स्ट्रिप दे रखी है, इसे इस तरीके से पीच के खींच कर इस तरीके से आप इसे क्लोज कर सकते हैं और यहाँ इसको इस तरीके से ये हो गया। तो थोड़ा सा देखिए मैनुअल है तो उसी चीज़ का जो प्राइस डिफरेंस है वो भी है और जो इसका जो फीचर है, बाकी हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसका भी सेम फंक्शन होता है, सिर्फ वो होता है कि वो मोटराइज है, पैनलाइज है, तो वो इजीली आप रिमोट से कर सकते हैं, जैसे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक फुटस्टेप आ रहे हैं, तो उसी तरीके की थीम है इसमें। तो ये एक वर्क हुआ है, साथ में हमने इसी के लिए यहाँ पर सेंटर लॉकिंग भी इंस्टॉल कर दिया अंदर। रीज़न क्या होता है, अगर आपने ये लगा लिया और ये इसके लिए अंदर सेंटर लॉकिंग से अटैच नहीं करा तो उस कंडीशन में ये ओपन रह जाएगा, तो आपको कभी अगर मान लीजिए कि कोई सामान रखा हुआ है तो फिर सेफ्टी रीज़न क्या रहेगा कि आपने पूरा कवर अप कर दिया, तो इस तरीके से मान लीजिए ये एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया तो अब ये ओपन नहीं होगा, ये देखिए बंद हो गया। ये आपने कंपनी की रिमोट की है और ये आपने यहाँ से ऑन करा अनलॉक करा तो ये देखिए लोग, तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब नॉर्मली जब आप इसको पैक करा रहे हैं और इसी को नहीं कराया तो उसका एडवांटेज क्या हुआ, तो यहाँ हमने सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल कर दी। अब आते हैं इसकी मोस्ट ऑफ रोड एसेसरीज, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगाने के बाद, ये देखेंगे इसका रोल बार, तो ये रोल बार है और रोल बार की आप फिट एंड फिनिश देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हैमर ब्रांडिंग मिल जाएगी रेड कलर से, मैट फिनिश में है और एक जो ग्रेस है कार की वो इससे ज़्यादा बड़ी है, इंक्रीज हुई है। और ये देखिए लाइटिंग, जब आप इसको करेंगे तो स्टॉप लाइट भी शो कर रहा है, इट मींस जैसे पीछे की आप टेल लैंप में लाइट्स देख रहे हैं वहाँ भी आपको हैमर के बीच में स्ट्रिप लगी आ रही है, वो लाइट्स इंस्टॉल कर। ये जो आइटम्स हैं, ये 3-4 आइटम्स इसके अंदर लगी है, जिससे इस कार की जो देखिए उपयोगिता, नेचुरल बात है कि आपने उस स्पेस को यूज़ करना है इसलिए आपने सब कराया, और दूसरा स्टाइलिश के लिए ज़बरदस्त है। इसमें साइड्स की प्रोफाइल को इन्हेंस करने के लिए हमने ये TRD किट है, ये साइड्स के पैनल होते हैं, जो कि इसमें क्या होता है, फेंडर आते नहीं है इस मॉडल में, नॉर्मली स्टील की बॉडी होती है, तो आप इस साइड से देखिए अब ये इस तरीके से लग जाते हैं, पूरे ABS प्लास्टिक के हैं लग गए, और यहाँ भी TRD का स्टिकर लगेगा, वो हम रेड कलर से लगाएंगे, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाती है। फाइनली इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर आपको पता ही है, ब्लैक कलर का इंटीरियर आता है, सीट्स इसकी लेदर की आती हैं, हाँ इसमें मैट्स लगते हैं, जो मैट्स अभी कस्टमाइज हम फिट करेंगे। कंपनी के जो मैट्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर हैं, मतलब जगह बहुत ज़्यादा आपको कवर अप नहीं करते और जो कारपेट एरिया है वो दिखता है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे कंपनी के मैट, वो कैसे होंगे वो भी आप देखेंगे, दिखाई देता हूँ आपको, दिखाना मैट, दिस वन, ये स्पेशल कस्टमाइज मैट्स हैं। देखो मैंने इसका टेक्सचर भी क्या करा है, ब्लैक एंड रेड रखा है, रीज़न
कि भैया ये हमारी कार ब्लैक एंड रेड है, तो उसके साथ मैच करता हुआ हर एक चीज़ आपको, इसका हेलीपैड, इसके जो मैटिंग पे जो आपको देख रहे हैं, स्टिचिंग देख रहे हैं, वो सब इस कलर की है। तो इस तरीके से देखिए, बहुत ईजी है इसको लगाना। बस ये है कि इसको लगाने के बाद जो कार के अंदर प्रीमियम लुक आती है वो देखेंगे। देखिए मैंने इस समय लगा भी दी है, ये लीजिए आप लगे हाथों। अब आप इसकी ग्रेस देखिए एक बारी, जो मैट की ग्रेस कितनी लाजवाब आ रही है। देखिए पूरा तक कवर कर लिया, ये साइड्स का जो पैनल है आपका ना, ये नॉर्मली आप जो भी मैट्स लेंगे ना प्लास्टिक वाले, वो ये वाला हिस्सा कवर नहीं करते, बट इसको लगाने के बाद क्या है कि वेलक्रो आपकी लगी हुई है, यहाँ वेलक्रो से देखिए इजी चिपक गया और पूरी फिट एंड फिनिश यहाँ आपकी आ गई। तो ये दोस्तों हमने कराया टोयोटा हाइलक्स का वर्क, आपको कैसा लगा? आप हमारा तो ये जो वर्क है तो उसमें आप ज़रूर अपना अनुभव अपने कॉमेंट्स में शेयर करिएगा। बाकी पर्सनली इसमें इंटीरियर वाइज सब चीज़ें कंपनी दे रही है, और जो बाहर जो आवश्यकता होती है उनको कस्टमर ने बखूबी करा लिया, और ये काम हमारा 5 से 6 घंटे में हो गया है, क्योंकि बिकॉज एक दिन पहले ही हमने सब चीज़ें रेडी कर ली थी। तो चलिए एक बारी आपको मिलवा देता हूँ। सर कैसे हैं? बढ़िया सर। भैया ये यहाँ से इन्होंने दिल्ली से ही कार परचेज करी है, मोतीनगर से, और हमारे पास 2 दिन पहले आए थे, बुकिंग करा गए थे, थोड़ा सा 1 दिन का आगे पीछे रहा, बट हमने उस कंडीशन में ये चीज़ें रेडी कर ली, तो हमारे 2-3 घंटे बच गए, क्योंकि हमने वर्क ये पहले फिटिंग का कर लिया था, और फाइनली अभी 5 से 6 घंटे में या टोटली जो ये आइटम्स हैं ये लग चुकी हैं। सर कैसा रहा? एकदम बढ़िया लगा। तो इसको माइक पे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। एकदम बढ़िया लगा आपके यहाँ आके। वर्क कैसा लगा? जी जी ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। मटेरियल भी अच्छा लगा, वर्किंग मतलब जो कंडीशन है वो भी अच्छा लगा, और सबसे अच्छा तो आपसे मिलकर लगा है हमको। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये कार देखिए, ये ड्राइव करके सीधा ले जाएंगे कहाँ पर? सिक्किम। तो ये कार जाएगी अभी दिल्ली से सिक्किम, और वाकई में मेरे को सोच के भी लग रहा है कि यार इस काम के लिए आपको ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, क्योंकि आसान काम नहीं होता। क्यों जी, कितने घंटे की ड्राइव होगी? बस शायद 3 दिन की, मतलब 48 आवर्स। 48 आवर्स तो नहीं लगा, 36 आवर्स की है, उसमें स्टे भी करेंगे आप बीच बीच में, तो काफ़ी मतलब चैलेंजिंग होता है, बट ठीक है क्योंकि अब कार है और अपने हिसाब से उसका एक ड्राइविंग टेस्ट भी हो जाएगा, रोड टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हमने वर्क कर चुके हैं, अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा वर्क लगा इसका। ताकि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्राइसिंग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। राइट सर।